देश विरोध कर रहे हैं, चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। नमस्कार, मैं दिवांजलि मोइत्रा। गलवान में चीन की कायरतापूर्ण हरकत से पूरे देश में गुस्सा है, जिसका नतीजा यह है कि अब देश में चीन का विरोध शुरू हो गया। सरकार ने चीनी कंपनियों से करार रद्द करना शुरू कर दिया। वहीं देशवासी चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ लोग सड़क पर उतरकर चीन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाने के लिए सड़क पर उतरे, लेकिन शायद ये भूल गए कि चीन का राष्ट्रपति कौन। इन्होंने शी जिनपिंग की जगह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का पुतला फूंक दिया। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। और लोगों से आवेदन करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज ना करें और हम लोग का स्वदेशी अपनाएं और चाइना को आर्थिक दिक से हम लोग कमजोर करने की कोशिश करेंगे। आज क्या उसका सब यात्रा लेकर निकले हैं और उसको ध्यान भी करेंगे। उसको जलाएंगे, उसका पुतला भी जलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम गणेश मट्टी है। हम आसनसोल साउथ मंडल वन के बीजेपी का अध्यक्ष। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अरे भाई पुतले तो सही दुश्मन के जलाओ, साजिश जिनपिंग की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता पुतला फूंक रहे हैं नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उनका। कह रहे हैं हम चीन के पीएम जोंग को जलाएंगे। मैंने हद ही कर दिया, किसी दिन अखबार में भी नाम नहीं पड़ा क्या भाई? जोंग को भी किंग बोल रहे। अजीत अंजुम के ट्वीट पर यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे। फरा साजिद नाम की एक यूजर ने लिखा, पुतला चाहे जिसका जला, मास्क तो भाजपा का है, जो दिखता है वही बिकता है। देवराज नाम के एक यूजर ने लिखा, क्या करे बेचारा अनपढ़, आप टीवी वाले रोज यही तो दिखाते हैं, किम जोंग बीमार है, बाहर निकला, बुखार है, उसका भार बढ़ रहा है, तो ये चीन और कोरिया में फर्क थोड़े करेगा। अंकित नाम के यूजर ने लिखा, शक्ल नहीं पहचानते लेकिन दिल में देशभक्ति है, आप तो दुश्मन की शक्ल पहचानते हो फिर भी चाटने में लगे हो, शर्म है। एक यूजर ने लिखा, ये वीडियो शेयर करके क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सब लोग इतनी समझ नहीं रखते, लेकिन भावनाएं तो सभी में होती है। गौरतलब है कि सोमवार को लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देशवासियों का गुस्सा चीन और चीनी वस्तु पर फूट पड़ा और लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।